Hello, my name is Khurram Malik and I am giving the information about online dispatch business. I hope you guys are fine and doing well. आज का जो टॉपिक है वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये जो टॉपिक है इट्स रिलेट टू योर अर्निंग. ये आपकी अर्निंग से रिलेटेड है. आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट परसेंटेज यू शुड चार्ज टू योर कैरियर्स. आपको क्या परसेंटेज अपने कैरियर से चार्ज करनी चाहिए, क्योंकि परसेंटेज इज़ द मेन थिंग जो आपने अपने कैरियर से लेनी है और कैसे लेनी है. आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा. इसमें आपको काफ़ी चीज़ें अच्छी और पॉजिटिव समझ में आएंगी. फर्स्ट थिंग तो ये है कि जो यूएसए के अंदर जो वहाँ पे गोरे हैं वहाँ पे भी कुछ ये लोग काम कर रहे हैं, डिस्पैच का काम कर रहे हैं. जैसे यहाँ आपने पाकिस्तान में देखा होगा कि यहाँ पे जो लोग मार्केटिंग करते हैं, सम टाइम आपके पास कुछ आपके घर में या आपके ऑफिस में कुछ लोग ऐसे आए होंगे जो कोई चीज़ मार्केट कर रहे होंगे, आपको आके ऑफर करते होंगे, सर ये ले लें और ये ले लें, हम इतना डिस्काउंट कर देंगे, वो कर देंगे. तो आप उसके लैंग्वेज को भी समझते हैं, वो एशियन होगा, पाकिस्तानी होगा, आपकी और उसकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी होगी. तो उसमें ये है कि आप उससे शायद कन्विंस भी हो जाएं. कुछ लोग नहीं भी होंगे लेकिन मोस्टली लोग उनसे कन्विंस भी हो जाते हैं, चीज़ें ले भी लेते हैं, उनसे परचेज भी कर लेते हैं या उनसे कोई डील कर लेते हैं. सेम लाइक दैट इन यूएसए. यूएसए में भी जो गोरे हैं वो अपनी मार्केटिंग करते हैं, फिजिकल मार्केटिंग करते हैं और वहाँ पर ट्रक कंपनीज के पास जाते हैं और उन्हें जाकर कहते हैं कि सर वी आर प्रोवाइडिंग डिस्पैच सर्विसेज, आर यू इंटरेस्टेड इन एनी काइंड ऑफ डिस्पैच सर्विसेज. और अगर वो इसमें इंटरेस्टेड ना भी हों तो उनकी, क्योंकि डेफिनेटली वो एक एक नस्ल है, एक रंग के होते हैं, एक जैसे लोग होते हैं, एक दूसरे के लैंग्वेज को समझते हैं, एक्सेंट को समझते हैं, तो वो जो है ना एक दूसरे से डिस्कस करते हैं और उसमें ये होता है कि बहुत से लोग उनसे कन्विंस भी हो जाते हैं. लेकिन अब उनके और हमारे कन्विंस करने में क्या फ़र्क आता है? उनके और हमारे कन्विंस करने में जो फ़र्क आता है वो सिर्फ एक आता है, वो है परसेंटेज. परसेंटेज मेन चीज़ है जो हमारे इस बिजनेस में होती है, क्योंकि हमारी जो अर्निंग होती है वो इस परसेंटेज से रिलेटेड होती है. आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं क्या परसेंटेज चार्ज करता हूं और मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि आपको क्या चार्ज करनी चाहिए अगर आपने इस फील्ड में, इस इंडस्ट्री में बने रहना है और आप चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा काम आप लोगों को मिले, तो उसमें आपको क्या परसेंटेज लेनी चाहिए. वहाँ के जो गोरे हैं वो लोग 10% भी चार्ज करते हैं, 10% चार्ज करते हैं और मिनिमम 10% चार्ज करते हैं वो उनके डिस्पैचिंग का. 10% मैं किसे कह रहा हूँ, सपोज आपने एक कस्टमर को एक फ्रेट बुक करवा के दिया है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी और उसको $1,000 उसका फ्रेट मिला है, तो $1,000 का जो 10% है मीन्स $100, तो $100 वो गोरा उसे चार्ज करता है अपने डिस्पैच सर्विसेज का. अब वो उसे अगर वीक में 5 loads देता है तो दैट मीन्स कि वो उसे $500 चार्ज करेगा वीकली चार्ज करेगा. लेकिन यहाँ पे अब हम लोग कैसे कन्विंस करते हैं अपने कैरियर्स को, हम कन्विंस करते हैं कि सर जो डिस्पैच सर्विसेज देखें वो गोरा प्रोवाइड कर रहा है ना, वही डिस्पैच सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, हम भी वही काम कर रहे हैं जो वो गोरा काम कर रहा है. यूएसए के अंदर एक रूल है कि यूएसए का जो रेजिडेंस होता है, यूएसए का जो यूँ कह लें कि गोरा है, रिहायशी है, जब वो किसी जगह जॉब करने के लिए जाता है या जॉब लेने के लिए जाता है तो उसको वहाँ पर जो पर और पाकिस्तान में होता है ना मंथली सैलरीज देते हैं, वहाँ यूएसए में पर और की सैलरीज होती हैं, तो जो पर और की सैलरीज उसे मिलती है ना वो उसे मिलती हैं $20 to $25 पर और. यानी अगर वो 10 घंटे काम करता है तो उसे $200 to $250 उसे डेली बेसिस पर उसे मिलता है, जैसे हम यहाँ दिहाड़ी कहते हैं पाकिस्तान में, तो उसे वहाँ $200 to $250 दिहाड़ी मिलती है. तो लेकिन अगर वहाँ पे कोई पाकिस्तानी, एशियन, इंडियन, बांग्लादेशी, कोई भी अगर हम जैसा लोग, मतलब जो कह लें कि ज़रा गंदुमी कलर का जो बंदा जो होता है, एशिया बंदा जो, वो अगर चला जाए उनके पास काम करने के लिए, तो वो उसको ऑफर करते हैं कि $10 पर और, $7 पर और, $8 पर और, मतलब $10 पर और से वो ऊपर हायर ही नहीं करते हम जैसे लोगों को, एशिया के लोगों को या आउटसाइडर्स को वो $10 से ऊपर हायर नहीं करते. तो इसी तरह ये होता है कि जब हम यहाँ पे डिस्पैचिंग कंपनी जो पाकिस्तान में हम रजिस्टर्ड करवाते हैं. अच्छा, मुझे एक चीज़ याद आ गई, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है. एक भाई ने बड़ा अच्छा सवाल किया था मुझसे कि पाकिस्तान में भी इसको रजिस्टर करवाना ज़रूरी है. हाँ जी, ज़रूरी है. इसमें इसलिए ज़रूरी है कि जब आपके बैंक अकाउंट में यूएसए से पैसे आते हैं, यूएसए से जो आपका कैरियर है वो पैसे भेजता है आपके वॉइस बिजनेस अकाउंट में, वॉइस बिजनेस अकाउंट से आपका यहाँ पेयोनीर जो है वो कनेक्ट होता है, पेयोनीर का भी अकाउंट बनता है. पेयोनीर का अकाउंट आप अपने नाम पे बना लें, आप अपनी कंपनी के नाम पे बना लें,
नो प्रॉब्लम, इसमें कोई ऐसा एज सच कोई इशू नहीं है। लेकिन वॉइस बिजनेस का जो अकाउंट है वो आपकी LLC वाला ही नाम होना चाहिए, जो आपकी LLC कंपनी नेम होगा वही आपके वॉइस बिजनेस के अकाउंट का नेम होगा। तो उसके साथ पेओनियर अटैच होता है। कुछ दिन पहले जो था वॉइस बिजनेस वो पाकिस्तान में डायरेक्ट पाकिस्तानी अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर रहा था, लेकिन फिर एक जो हमारी अनसर्टेनिटी और डॉलर के जो फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन हुई उसकी वजह से वॉइस बिजनेस ने पाकिस्तान में डॉलर ट्रांसफ़र करना रोक दिए। फिर उसके साथ हमने पेओनियर को अटैच किया। जब पेओनियर को अटैच किया वॉइस बिजनेस से, हम पेओनियर में करते हैं अपने पेमेंट, फिर पेओनियर के साथ अपना पाकिस्तानी अकाउंट अटैच करते हैं। अब जो पाकिस्तानी अकाउंट है इट्स टोटली अप टू यू कि आप वो बिजनेस अकाउंट ओपन करवा लें या आप अपने नाम का पर्सनल अकाउंट ओपन करवा लें, डजंट मैटर, इससे कोई परवाह नहीं पड़ती। उसकी वजह यह है कि जब आप अपनी कंपनी को पाकिस्तान में भी रजिस्टर्ड करवाते हैं, मैंने भी करवाई हुई है, लाइक मेरी जो US कंपनी का नेम है वो सिक्योर डिस्पैचिंग सर्विसेज है, और जो मैंने पाकिस्तान में उसको रजिस्टर्ड किया हुआ तो मैंने उसको STS Enterprises के नाम से उसको रजिस्टर्ड किया हुआ है, STS सिक्योर डिस्पैच सर्विसेज। तो इस तरह अपना जो भी आपकी कंपनी का नेम होगा उसको आप निक करके आगे इंटरप्राइजेस लगाएं और यहाँ पाकिस्तान में रजिस्टर करवा लें, अपना NTN बनवा लें। मैंने यहाँ पे एक वकील को दिया था 1000 रुपये, 1000 रुपीज़ उसने मुझे मेरी कंपनी का NTN बना के दे दिया था। अब वो क्यों बनवाना ज़रूरी है? पर वो इसलिए बनाना ज़रूरी होता है कि जब आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र होंगे और हैंडसम अमाउंट ट्रांसफ़र होगी और एवरी मंथ ट्रांसफ़र होगी, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप लोग भी अच्छे खासे, मतलब आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे, आप इंशाल्लाह हज़ारों डॉलर आप अर्न करेंगे, लाखों रुपए आपके अकाउंट में आएंगे, तो माइट बी इन केस ऑफ के FBR या कोई आपके ऊपर इस तरह की रेस्ट्रिक्शन डाल दे आपके अकाउंट पे कि आपके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं, तो आपकी जो ट्रांजेक्शन होगी वो टोटली वाइट होगी। वॉइस बिजनेस अकाउंट की भी स्टेटमेंट निकलती है, पेओनियर की भी स्टेटमेंट निकलती है, और आपके पर्सनल अकाउंट की भी स्टेटमेंट निकलती है। देन यू कैन टेल टू FBR, ये मेरे एक दोस्त के साथ ये वाकया हो चुका है कि उसका FBR ने अकाउंट फ्रीज किया था और उसे कोई 12 लाख का फाइन हुआ था। सिर्फ फाइन होने की रीज़न ये थी कि उसकी ट्रांजेक्शन क्लियर नहीं थी, लेकिन उसके बाद जब उसने क्लियर करवा ली उसके बाद उसको प्रॉब्लम नहीं आई। तो उसमें ये है कि आप अपना जो है ट्रांजेक्शन को वाइट रखिएगा, जो वॉइस बिजनेस में आ रहे हैं वहाँ से पेओनियर में आ रहे हैं, पेओनियर से आपके पर्सनल अकाउंट में आ रहे हैं, तो ये सारी ट्रांजेक्शन की स्टेटमेंट्स निकलती हैं। कल को अल्लाह ना करे FBR आपसे पूछती है कि जी पैसा कहाँ से आ रहा है, तो आप उन्हें सारी स्टेटमेंट्स दिखाएं कि सर ये मेरी कंपनी है जो मैंने US में रजिस्टर्ड की हुई है, वहाँ से मुझे पैसे आते हैं मेरे वॉइस बिजनेस में, ये उसकी स्टेटमेंट है, फिर वहाँ से पैसे आते हैं पेओनियर में, ये उसकी स्टेटमेंट है, फिर वहाँ से पैसे मैं ट्रांसफ़र करता हूँ अपने पर्सनल अकाउंट पाकिस्तानी अकाउंट में, ये उसकी स्टेटमेंट है। तो इस तरह आपकी ट्रांजेक्शन क्लियर। फिर वो आपसे पूछेंगे जी पर्सनल अकाउंट में पैसे आप ले रहे हैं, तो आप उन्हें कहेंगे नहीं सर मेरी पाकिस्तान में भी कंपनी रजिस्टर्ड है, ये मेरी जी SDS Enterprises या जो भी आपकी कंपनी का नेम होगा आप उन्हें बताएंगे जी पाकिस्तान में भी रजिस्टर्ड है और ये उसका NTN है। आपको जब कंपनी रजिस्टर करते हैं ना पाकिस्तान में तो आपको एक NTN मिलता है, जैसे कहते हैं नेशनल टैक्स नंबर, तो नेशनल टैक्स नंबर आपको मिलता है। तो NTN आप जब उन्हें शो करेंगे सर मेरी पाकिस्तान में भी कंपनी रजिस्टर्ड है और मैं पाकिस्तान में भी मतलब अपना एक वाइट बिजनेस कर रहा हूँ, कि ब्लैक मनी नहीं है मेरी, लीगल बिजनेस कर रहा हूँ, तो फिर वो FBR आपको तंग नहीं करेगा। आपका ईयरली टैक्स होगा पाकिस्तान में वो आप पे कर दीजिएगा अपने इनकम टैक्स, मेरे ख्याल से 10 लाख पे शायद 30,000, अगर 10 लाख आपकी ईयरली इनकम है तो 30,000 उस पर टैक्स है, और अगर 1 करोड़ है तो उसके हिसाब से टैक्स है। तो अल्लाह करे आप भी करोड़ों कमाओ तो उसमें से अगर चंद लाख टैक्स देना भी पड़ गया तो क्या मसला यार, करोड़ों रुपये तो कमा रहे हो। तो इसी तरह ना आपने ट्रांजेक्शन करनी है। अच्छा मैं ये भी बता दूं कि ये पैसे काटते कितने हैं। अगर कोई पर्सन आपको बाहर से पैसे भेजता है वॉइस बिजनेस अकाउंट में, तो वॉइस बिजनेस अकाउंट से जब आप पेओनियर में ट्रांसफ़र करते हैं तो चाहे वो अमाउंट $1 हो या चाहे वो अमाउंट $1,000 हो, वॉइस बिजनेस अकाउंट से 0.39 पैसा डॉलर्स में, मतलब पेनी 0.39 पेनी वो आपके, या सेंट कह लें, पेनी कह लें, जो भी कह लें, मतलब डॉलर से भी कम, $1 से भी कम 0.39 सेंट या पेनी वो आपको चार्ज करता है पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए पेओनियर में। जब पेओनियर में पैसे आते हैं तो पेओनियर काटता है 3%, मीन $100 पे $1%, रियली सॉरी मैं गलती होगी मुझसे क्योंकि मेरा कुछ डिडक्शन हुई थी तो मेरे माइंड में शायद वो चीज़ आ गई थी। अच्छा उसमें ये है कि $1,000 अगर आपने पेओनियर में मंगवाया है और पेओनियर से ट्रांसफ़र किया है तो $1,000 पे वो $10 आपके डिडक्ट करेगा और $100 पे $1 डिडक्ट करेगा, तो फिर वो वहाँ से $1 डिडक्ट करेगा और फिर वो आपके पाकिस्तानी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। वॉइस बिजनेस अकाउंट 0.39 आपके डिडक्ट करता है और पेओनियर जो है वो $1 डिडक्ट करता है, 1% डिडक्ट करता है आपका
टोटल अमाउंट का, इस तरह पाकिस्तानी अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। तो परसेंटेज जो है ना, हम उसकी बात कर रहे थे, परसेंटेज जो है आपने अपनी परसेंटेज जो रखनी है, अगर कोई सपोज आपके पास बॉक्स ट्रक आ गया है, आपके पास हॉट शॉट आ गया है, आपने सब ट्रक्स की एक ही परसेंटेज रखनी है, 5% रखनी है आपने। 5% बहुत हैंडसम परसेंटेज है। 5% अगर सपोज आपने किसी को $1,000 का फ्रेट दिया, लोड दिया, तो $50 आपके पर लोड बचेगा, और अगर आपने उसे वीक में 5 लोड दिए तो $250 बचेगा। अब जो हम पैकेज ऑफर करते हैं अपने कैरियर्स को, हम करते हैं सर वीकली 250 या फिर 5% पर लोड, हम ये करते हैं। 5% पर लोड में हमारा भी फायदा होता है, 5% पर लोड में कैरियर का भी फायदा होता है। फायदा ये होता है कि सपोज उसमें अगर आपने उसको दिया $3,000 का लोड, अब वो 3 दिन का उसका ट्रैवलिंग टाइम भी होगा, वीक में उसे 2 लोड मिल जाएंगे $6,000 के, तो आपको $300 मिल जाएगा। अगर आपने उसे 200 या 250 आपने 250 डिसाइड किया होता है, तो वो फिर उसमें आप नुकसान में आ जाओगे, क्योंकि $6,000 उसने कमाया पूरे वीक में और आपको वो दे रहा है 200 या 250। तो 200 250 को थोड़ा सा डिस्करेज किया करें, परसेंटेज में बात किया करें, उसमें फ़ायदा होता है। अच्छा, उसमें ये होता है कि सपोज अगर कैरियर ने पूरे वीक में सिर्फ 1 लोड लिया और वो कहीं बिजी हो गया अपने किसी इवेंट में, फंक्शन में, गम खुशी उनकी भी चलती रहती है, तो वो अगर वहाँ बिजी हो गया, उसने पूरे वीक में सिर्फ 1 लोड आपसे लिया है और 1 लोड आपसे लिया 3,000 का या 2,000 का, तो आपको सिर्फ $100 उसका पे करेगा, आपको 200 पे नहीं करेगा। तो इस परसेंटेज में कैरियर का भी फायदा होता है, इस परसेंटेज में आपका भी फायदा होता है। तो मैं तो बहरहाल परसेंटेज को प्रेफर करता हूँ। 5% इसलिए आपको कह रहा हूँ क्योंकि गोरा जो है ना, गोरा वो 10% चार्ज करता है सिंपल ट्रक को, और हॉट शॉट और बॉक्स ट्रक को चार्ज करता है 12-15%, क्योंकि बॉक्स ट्रक और हॉट शॉट के लोड बहुत मुश्किल से मिलते हैं, जबकि ड्राई वैन, रीफर, स्टेप डेक्स, फ्लैट बेड, पावर ओनली, इन सब के जो लोड हैं वो इजीली मिल जाते हैं, ये इजी टारगेट होते हैं, तो इसलिए उनको 10% करते हैं। तो हम फिर उन गोरों के जो कस्टमर है वो ऐसे ही तोड़ते हैं, हम फिर उसको जब एक कैरियर को हम जब कॉन्टैक्ट करते हैं या उससे हम डील करते हैं या एग्रीमेंट करते हैं, तो हम उसे यही कहते हैं कि सर वी आर प्रोवाइडिंग द सेम सर्विसेज विच यू आर ऑलरेडी टेकिंग फ्रॉम अनदर पर्सन इन US, तो वो अगर आपको 10% में आपको मतलब वो दे रहा सर्विसेज, तो वो विल प्रोवाइड यू सर्विसेज इन ओनली 5%। तो हम उसको 5% जब ऑफर कराते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी थोड़ा सा जाहिर सी बात मतमईन होता है, वो कहता है यार अगर मैं $1,000 पे $100 पे कर रहा हूँ और अगर मेरा $50 बचता है तो व्हाई नॉट, फिर वो हमें एक ट्राई देता है, हम ट्राई में उसको फिर जब लोड देते हैं तो उसे अच्छा लगता है कि यार ये तो $5 में मेरा अच्छा काम हो रहा है, तो फिर उस गोरे को छोड़ के हमारे साथ चलता है। अच्छा, अब बाहर के जो गोरे हैं, US के जो गोरे हैं, प्रॉब्लम ये है कि वो 5% ऑफर नहीं कर सकते। क्योंकि वो इसलिए ऑफर नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने डॉलर्स में कमाना है और डॉलर्स में ही खर्च करना है, और हम लोग जो हैं हमने डॉलर्स में कमाना है और रुपए में खर्च करना है, तो हमें 5% भी भाई भारे पड़ता है। लेकिन अगर वो 5% पे आ जाए ना, तो उनकी इनकम हाफ एंड हाफ कम हो जाती है। अगर वो सपोज महीने का $5,000 अर्न कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू 10%, तो वो जो 5% हो जाएगा ना, दैट मीन्स कि उनकी इनकम बिल्कुल हाफ हो जाएगी, $2,500 उनके डाउन हो जाएंगे। अब उनके लिए $2,500 डाउन होना बहुत बड़ी बात है क्योंकि उन लोगों ने डॉलर में खर्च करना होता है, हमारे लिए $2,500 बहुत बड़ी अमाउंट है क्योंकि 5 लाख बन जाता है। तो ये चीज़ है, परसेंटेज आपने 5% रखनी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि कुछ दिन पहले ना मैंने देखा कि कुछ नए डिस्पैचर पाकिस्तान से जो नए नए अभी डिस्पैचिंग सीख के इस फील्ड में इन हुए हैं, वो एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं, जो मैं आप लोगों को मना करूंगा कि आप लोगों ने नहीं करनी जब आप लोगों ने बिजनेस स्टार्ट करना है। देखें, क्वालिटी वर्क दें, अच्छी सर्विसेज दें, लेकिन खुद को गिरा के मत बेचें, अपनी सर्विसेज को गिरा के मत दें। वो क्या कर रहे थे, मैंने उनके जब टेक्स्ट, उनके मैसेजेस या उनकी मैंने कुछ मुझे मेरे कस्टमर्स हैं उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह के ना मार्केट में लोग ऑफर्स करते फिर रहे हैं, मैं आपको ना इसका नुकसान भी बताता हूँ, नुकसान क्या होता है। ऑफर्स क्या कर रहे हैं, वो जो नए डिस्पैचर हैं, अब वो कस्टमर तोड़ने के लिए ना 3% ऑफर कर रहे हैं, 2.5% ऑफर कर रहे हैं। 2.5% 3% में कोई प्रॉफिट नहीं होता, आपको नुकसान होता है। अगर मैं 5% में चार्ज करता हूँ अपने कस्टमर से, तो 3% तो मेरे एक्सपेंसेस हैं, मैंने लोड बोर्ड के एक्सपेंस देने हैं, मैंने अपने ऑफिस के रेंट देने हैं, मैंने अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल देने हैं, मैंने अपने स्टाफ की सैलरीज देनी है, 3% तो मेरा वहां निकल गया, जो मेरी बचत है, मेरी सेविंग है, वो 2% ही मेरी बचत है, मेरी सेविंग है।
जब मैं चार्ज करूंगा 2.5% और चार्ज करूंगा 3% तो मैं क्या एक्सपेंस लगाऊंगा और मैं क्या खाऊंगा और क्या बचाऊंगा, मेरी तो खाली सिर्फ मेहनत ही जाया होती रहेगी, मुझे तो कुछ भी नहीं बचेगा, वो तो सारे एक्सपेंस पे मेरे निकल जाएंगे पैसे। तो कभी भी किसी भी कैरियर को आपने 3%, 2.5% नहीं ऑफर करनी, इसमें नुकसान है। अब दूसरा नुकसान आपको बताता हूं मैं, क्या नुकसान है। जो नया डिस्पैचर आता है ना, उसे लगता है, वो जो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में एक स्टोरी सुनाई थी कि एक मेरे पास एक बरियाना एक मेरी फीमेल एक कस्टमर आई थी और वो कुछ दिन चली, 3 हफ्ते चली, उसके बाद छोड़ के चली गई थी, जो मुझे दुख हुआ था। तो ये चीज़ होती है जब आप समझते हैं, नए डिस्पैचर मोस्टली समझते हैं कि जी ये एग्रीमेंट होगा, मेरी तरह जैसे मैं भी समझता था कि एग्रीमेंट होगा और हो गया तो वो इतने खुश होते हैं जी अब जिंदगी भर ये मतलब चलेगी, अब जिंदगी भर ये कैरियर चलेगा, जिंदगी भर हम 3% चार्ज करते रहेंगे। ऐसा नहीं होता, कैरियर छोड़ भी जाते हैं, पहली बात ये। दूसरा पॉइंट ये है कि कैरियर आपके पास 4 हफ्ते प्रॉपर नहीं चलते, वो आपके पास 3 हफ्ते चलते हैं। 1 हफ्ता मैं जो बता रहा हूँ ये मिक्स एंड मैच कर रहा हूँ कि कभी कभी वीक में ऐसे डेज आ जाते हैं कि वो खुद ऑफ कर लेते हैं, या उनको कोई अच्छा रूट मिल जाए, अच्छा फ्रेट मिल जाए, उन्हें $3,000-4,000 का एक ही लोड मिल जाता है तो कहते हैं यार बाकी 2-3 दिन हमने काम नहीं करना, अपनी फैमिली को टाइम दे रहे हैं, हम जरा रेस्ट कर रहे हैं, या हम वीकेंड पर चले गए। वो लोग कमाते हैं ना तो वो लोग खाते भी वैसे ही हैं, वो लोग बचाते मतलब बचाते भी हैं, लेकिन ये नहीं कि जैसे हमारे पाकिस्तान में जोड़ू लोग होते हैं, जोड़ी जाओ। वो लोग कमाते हैं तो वीकेंड पे वो उड़ाते भी बहुत है पैसा, तो अगर उनको अच्छा फ्रेड मिल जाए ना तो वो 2 दिन फिर आते नहीं कहाँ पे, वो कहते हैं आई एम बिजी विद माय फैमिली सो आई विल टेक लोड्स ऑन नेक्स्ट वीक, तो वो नेक्स्ट वीक भी डाल देते हैं। समटाइम उसके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है, उसने तो पूरे अपना जो फ्रेट अच्छा ले लिया $3,000-4,000 का, आपको बचा। अगर आप 2-3% पे काम कर रहे हैं तो आपको क्या बचेगा, $1,000 पे जाके आप लोग को $20 मिलेगा। अगर आपने $3,000 का जो कि बहुत अच्छा लोड है आपने दिया तो $60 मिलेगा, उसको $3,000 मिल गया, वो वीकेंड पे चला गया, वो अपने मजे में है, आपको $60 दे जाएगा। अब $60 आप अपने 3 हफ्तों के अगर आप लगा ले $60 तो आपके $180 बनते हैं, आप खाली लोड बोर्ड की आपकी सैलरी आपकी फीस निकलेगी, आपको क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा आपको। तो ये एक्सपेरिमेंट मत करना, किसी को भी अपने प्राइस गिरा के मत बेचना। दूसरी चीज बताता हूँ मैं आपको आज, वो ये है कि गोरा बेवकूफ नहीं होता, उसे सब पता होता है। जो 2-3% वाले नए नए डिस्पैचर मार्केट में आते हैं और आके जब ऑफर देते हैं ना, तो गोरा समझ जाता है कि ये नीडी भी है, और गोरा समझ जाता है कि ये न्यू भी है, और गोरा कभी न्यू बंदे। अब मैंने जब अपनी कंपनी को डिड्यूस करवाया, एक छोटा सा झूठ मुझे बोलना पड़ा स्टार्टिंग में, लेकिन अब नहीं बोलते क्योंकि अब तो हमें टाइम हो गया है। तो शुरू में हमें कस्टमर ग्रैब करने के लिए झूठ बोलना पड़ा कि वी आर वर्किंग फ्रॉम last 1 year या last 2 year, माई कंपनी इज वर्किंग इन डिस्पैचिंग फ्रॉम last 2 years या last 1 year। हालांकि उस टाइम मुझे स्टार्टअप था, फर्स्ट मंथ था, अब तो खैर मुझे 1 साल होने वाला, अब भी झूठ बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती, अल्लाह का शुक्र आप कस्टमर बन गए हैं। तो ये है कि जब आप गोरे को ऑफर करते हो ना 2%, 3%, तो वो समझ जाता है, वो समझता है कि ये नया डिस्पैचर है, नया नया मार्केट में आया, नीडी भी है, और ये मेरा काम प्रॉपर नहीं करेगा क्योंकि ये नया बंदा है, और क्योंकि वो लोग खुद थोड़े नए लोगों से ना बचते हैं, इसलिए बचते हैं क्योंकि उनका अब एक सपोज मिसाल के तौर पर उसने एक ट्रकर ने एक नए डिस्पैचर से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, नया डिस्पैचर जो पहली दफ़ा लोड बुक करने लगा है, जिससे लोड्स का पता नहीं है किस तरह बुक करना है, लेकिन वो शुरू हो गया बुक करना, उनका एक एक दिन बड़ा कीमती होता है, वो हमेशा कोशिश में होते हैं कि यार हमें अच्छा लोड मिले, अच्छे पैसे मिले और हम छुट्टियों पे चले जाएं, हम इंजॉय करें अपना वीकेंड जो है वो अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करके गुजारें, खाएं पिएं, होटलिंग करें, अपना इंजॉय करें। वो एक एक दिन उनके लिए मैटर करता है, एक एक दिन वो जाया होने से बचाते हैं। तो नया डिस्पैचर उनके दिन जाया करवाता है, इस दिन जाया होने से वो बचते हैं, और ये दिन जाया ना हो इससे बचने के लिए वो 2% एक्स्ट्रा पे करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। मेरे पास एक कैरियर आया था, अभी भी है, तो वो कैरियर आया था, उसने मुझे सारी स्टोरी सुनाई थी, उसने मुझे कहा था कि मैं एक नए डिस्पैचर के पास था, 3% चार्ज कर रहा था, लोड ही नहीं देता था मुझे, उसे कुछ पता ही नहीं था, मैं जब भी कोई लोड मांगता उसे एरिया बताता, स्ट्रीट बताता, ओके सर आई एम लुकिंग फॉर योर लोड, सर आई एम वर्किंग ऑन योर लोड, ऑल टाइम वही टेक्स्ट करता था, लेकिन मुझे लोड नहीं मिलता था, मेरे हफ्ते में मुझे 1-2 लोड देता था, बाकी 3 दिन मेरे जाया करा देता था वो। तो उसको छोड़ के ना, तो वो मेरे पास आया, जब वो मेरे पास आया ना, तो उसने मैंने उसको कहा सर आई विल चार्ज 5% एंड दैट इज माई कंपनी रेट, आई कुड नॉट कम्प्रोमाइज ऑन माई charges, but I promised I will give you the loads according to yourself, according to you. तो मैंने इस तरह की जब बात की ना उसको, मैंने कहा मैंने रेट कम नहीं करना, मैंने जी आपको जो रेट मेरा यही है, आपको लोड मिलेंगे, ये गारंटी है मेरी।
तो उसने कहा ओके ठीक है, उसने मुझे ट्राई दी, उसने कहा ठीक है जी मैं आपको ट्राई देता हूँ एक हफ्ते का, और एक हफ्ते मुझे आप लोड दो। मेरी टीम ने काम किया अल्हम्दुलिल्लाह, उसको लोड्स मिले, और वो ये 3 महीने पहले की बात है और अब चौथा महीना शुरू हो गया, वो चल रहा है मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक चल रहा है। एवरी वीक उसकी बड़ी अच्छी इन्वाइसेज होती है मेरे पास। तो ये चीज़ है कि आपने कभी भी अपनी सर्विसेज को गिरा के नहीं बेचना। देखें आप अपनी प्रैक्टिस अच्छी आपने करनी है, आपने प्रैक्टिकल काम बहुत अच्छा करना है, इसीलिए मैंने आपको पहले ये बात की है कि पहले प्रॉपर लर्न करना है आपने, इसको सीखना है प्रॉपर। ऐसे ही आधा सीखा हुआ अगर आप इस फील्ड में घुस जाएंगे ना तो दो रिजल्ट आएंगे। एक रिजल्ट ये आएगा काम नहीं मिलेगा भाई आपको, दूसरा रिजल्ट ये आएगा आप खुद ही उकता जाएंगे जब काम नहीं मिलेगा, आप कहेंगे यार ये तो है ही फजूल काम, यार मैं इस काम को बंद कर देता हूँ। जब कोई काम कोई बात किसी इंसान की अकल और शऊर में समझ में ना आए ना, उसकी अकल और शऊर से बाला तर हो, तो वो सिर्फ उसका मजाक ही उड़ा सकता है और उस पर बातें ही कर सकता है कि यार ये तो काम फजूल है, ये तो काम होता नहीं, ये तो पता नहीं, ऐसे लोग बस बातें करते हैं। भाई मैं तो कर रहा हूँ ना काम, मैं कर रहा हूँ, मैं अर्न भी कर रहा हूँ, मैंने अपनी ट्रांजेक्शन भी लोगों को अपनी एक वीडियो में शो कर दी सारी। तो कहने का मकसद ये है जब आप प्रॉपर लर्न करके विद एक्सपीरियंस, आपको एक अच्छा सिस्टम पता है कि यार कैसे काम करना है, कैसे फाइंड आउट करना है, जब लर्न करके प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद आप जब जाएंगे ना फील्ड के अंदर, देखें जब कोई एक पहलवान जंग अपना उसमें अपने मैदान में लड़ाई करने जा रहा होता है ना, तो पहले उसकी तैयारी करता है। जब आप एग्जाम्स में पेपर देने जाते हैं ना, पहले उसकी तैयारी करते हैं आप। ऐसा नहीं कि आपने सुनी है और अपने टीचर की बातें सुनी है कि बुक्स में ये होता है ये होता है और आप सुबह जाके पेपर देने बैठ जाएंगे तो फिर पेपर में फेल हो जाएंगे आप, और जब फेल होंगे तो दिल टूट जाएगा। तो इसी तरह सेम बिजनेस है, अगर आप अच्छी प्रॉपर लर्निंग के बाद ये बिजनेस आप जाकर करेंगे ना, तो आप अर्निंग भी करेंगे इंशाल्लाह और आपको मज़ा भी आएगा। अगर आप ये सुनी सुनाई इधर उधर लेफ्ट राइट करते हुए आप पहुंचेंगे ना, तो फिर यही होगा कि वो नहीं आपको काम नहीं मिलेगा, काम मिलेगा तो कैरियर छोड़ के चले जाएंगे। और अगर आप में से किसी भाई का पहला कैरियर आपको छोड़ के चला गया ना हफ्ते दो हफ्ते के बाद, तो आप लोगों का बड़ा दिल टूटेगा जैसा मेरा टूटा था। उस टाइम वो दिल कर रहा होता अगर इतनी मेहनत के बाद कैरियर मिला, दो हफ्ते हमने अच्छा कमाया, तीसरे हफ्ते हमारी कमाने एक होप बन जाती है ना, उम्मीद बन जाती है कि यार पैसा आएगा अब तीसरे हफ्ते भी, लेकिन वो आपको कहते जी आई विल नॉट वर्क विद यू एनी मोर, तो उस टाइम आपका दिल ऐसा टूटता दिल करता बस लैपटॉप बंद करो, कंपनी बंद करो, घर जाओ, यार क्या टाइम जाया कर रहे हैं यहाँ पे, तो ऐसा टाइम आ जाता है। तो इसीलिए मेरा आप लोगों को मशवरा है, अब दो मशवरे मेरे आपको। पहला मशवरा अपना 5% रेट रखना, इससे कम आपने ऑफर नहीं करना अगर आप जिंदगी में कमाना चाहते हो। दूसरा मशवरा आपको मेरा यही है कि भाई पूरी अपनी ट्रेनिंग लेके कंप्लीट एक्सपीरियंस के बाद आपने काम करना है, अनाड़ी बन के काम नहीं करना, खिलाड़ी बन के काम करना है। अनाड़ी बन के काम करोगे ना तो दिल टूट जाएगा आपका, तो फिर बाद में आप कहोगे यार ये तो ज़ाया हो गया। लेकिन खैर सब बताने का मकसद ये है कि रेट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस बिजनेस। जो आपने चार्ज करना है, जो आपकी अर्निंग होगी, अपना रेट आपने 5% रखना है। किसी को 7 कोट ना करें, किसी को 10 कोट ना करें, और किसी को 3 या 2 कोट ना करें। 5% पे कोट करें, काम करें, वर्किंग पूरी करें, इंशाल्लाह ताला आपको लोड भी मिलेंगे, इंशाल्लाह ताला कैरियर भी मिलेंगे। अच्छा एक और चीज़ है, मुझसे काफ़ी सारे मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, फॉलोअर्स हैं, जो मुझसे बार बार पिछले मेरे यूट्यूब चैनल पर भी मुझसे पूछ रहे थे, इस पर भी पूछ रहे हैं कि मेन कैरियर्स कैसे निकालने हैं। मेन चीज़ तो कैरियर है ना, मेन चीज़ आपका जो कस्टमर है जिससे आपने अर्निंग करनी है वो आपके कैरियर्स हैं, तो कैरियर कैसे निकालने हैं। अच्छा उसमें मैंने उनके ना कमेंट्स का आंसर मैं आप सबको इसलिए मैं आपको आंसर कर रहा हूँ कि मैंने कमेंट में इसलिए आप लोगों को आंसर नहीं किया क्योंकि ये डिटेल से समझाने वाली चीज़ है। इसमें कुछ जो किरदार है वो लैपटॉप पे जो हम लोड बोर्ड की प्रैक्टिस करेंगे तो लोड बोर्ड का भी किरदार है इसमें, टेलीफोनिक के लिए भी किरदार है इसमें, वेबसाइट्स का भी कुछ किरदार है इसमें, सोशल मीडिया का भी कुछ किरदार है इसमें। ये सारी चीज़ें मिला के आपको ना कैरियर मतलब ढूंढने में आपकी हेल्प आउट करते हैं। लेकिन ये सब करना कैसे है इसकी इंशाल्लाह ताला पूरी डिटेल वीडियो इससे जो नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा वो सिर्फ कैरियर्स की ही होगी, वो कैरियर्स की ही होगी, हम कैरियर्स पे ही बात करेंगे इंशाल्लाह। मैं आपको तरीका बताऊंगा, सारे तरीके बताऊंगा कैरियर्स आपने कैसे 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 आपने ग्रैब करने इंशाल्लाह। और मैंने इसलिए कमेंट में भी नहीं बताया क्योंकि कमेंट में यार वो बहुत एक टू द पॉइंट बात हो जाती है, इतनी डिटेल से बात नहीं होती। मैं इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी ना वो आपकी कैरियर्स के ऊपर ही होगी, वो कैरियर्स वाली वीडियो हो जाए फिर उसके बाद हम लोड बोर्ड पे आ जाएंगे। थर्ड हमारी जो वीडियो होगी वो लोड बोर्ड की होगी, लोड बोर्ड की हम ट्रेनिंग शुरू करेंगे, लोड बोर्ड पे प्रैक्टिस शुरू करेंगे इंशाल्लाह। और जो जिन लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, जो ऑलरेडी मेरे पिछले यूट्यूब चैनल पर थे, अगर आप में से कोई दोस्त हैं जानने वाले तो उन्हें प्लीज़ कहें कि वो इधर इस चैनल पर आ जाएं, क्योंकि अब लोड बोर्ड की ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है तो मैं चाहता हूं कि लोड बोर्ड पर हम सब एक साथ हों, ताकि बार बार कुछ लोग जो नए बाद में ज्वाइन करते हैं तो फिर वो सवाल करते हैं,
तो मैं चाहता हूँ एक ही बार, बल्कि मैं कोशिश करूँगा कि उसको लाइव कर दूंगा, लाइव करूंगा ताकि अगर उसका एक टाइम भी सेट कर लेंगे तो उसको लाइव कर दूंगा इंशाल्लाह ताला, ताकि अगर कोई भाई कोई भी सवाल पूछेगा तो मैं उसमें साथ आंसर भी कर दूंगा। अच्छा एक और चीज़, सॉरी मैं लास्ट थिंग आपको बता दूँ जाते जाते, लास्ट थिंग ये है कि मैं संडे को फ्री होता हूँ, पूरा वीक मेरा काम का होता है। मैंने अपनी रूटीन, अपनी सारी टाइमिंग आप लोगों को बताई हुई है। मैं सुबह 8 से लेकर रात 12 बजे तक बिजी होता हूँ। मेरे पास टाइम पूरा वीक नहीं होता कि मैं टाइम नहीं दे सकता, बट संडे मेरा फ्री टाइम होता है। अगर आप में से कोई भाई मिलना चाहता है तो संडे का टाइम वो रख ले। संडे को मैं लाहौर में ठोकर के पास एक सोसाइटी है, मैं वहाँ पे रहता हूँ। और अगर कोई भाई मिलना चाहता है तो टिकटॉक पे मेरा इनबॉक्स में मुझे आके मैसेज कर दे, और संडे की ही मैं आपको अपनी लोकेशन और अपना नंबर सब चीज़ दे दूंगा। तो संडे को अगर कोई भाई कोई बहन कोई भी मुझसे कोई पर्सनल मीटिंग करना चाहता है, इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है और कोई और गाइडलाइन लेना चाहता है, तो संडे मेरा फ्री डे होता है। संडे को आप लोग जो है ना जो भी मिलना चाहे मोस्ट वेलकम, और टिकटॉक पे इनबॉक्स मुझे कर दीजिएगा अपनी डिटेल, मैं आप लोगों को टेक्स्ट कर दूंगा। तो संडे को हम कोई मीटअप कर लेंगे इंशाल्लाह, ताकि पर्सनल मीटिंग हो जाए। बाकी ऑनलाइन तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे ही रहा हूँ, और अगर कोई चीज़ समझ में ना आए आप लोगों को तो कमेंट कर दें इंशाल्लाह, मैं हर कमेंट का आंसर करूंगा। और जिस कमेंट का मैं आंसर ना करूं, समझ जाए कि उसका आंसर डिटेल में है, वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, ओके, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड नाइट। रात के 12 बज रही है।